Assalamu alaikum, namaste, sasriya kal, and welcome to our channel, Gym Buddies and Family Vlog. आंखें देखो कैसी दिख रही हैं, क्योंकि कल गए थे तो काजल लगाया था, तो ये हो रही है कजरारे नैन. धोने के बाद, वॉश करने के बाद भी आईज में है. और टाइम हो रहा है अबाउट 3:05, और ये आ गए हैं मुझे लेने. हेलो एवरीवन. जब ये मुझे लेने आते तो बड़ा मजा आता है. आना ही पड़ता है, आना चाहिए भी. तुम्हें आना है. नहीं, ज्यादा देर नहीं लगती. देर तो लगानी भी नहीं है. तो अभी प्लान ये हुआ है, क्योंकि बच्चे भी घर पहुंच गए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज हम एक जगह थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं. एक काफी फेमस जगह है यहाँ गाजियाबाद में, तो हमने सोचा आज थोड़ा सा वहाँ चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं और आप सबको दिखाते हैं. बाल अच्छे लग रहे हैं वैसे. बहरहाल, तो चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं. डॉग साहब ने बोला. एक्चुअली डॉग साहब अगर कोई चीज बोले, लाइक इनको बोलना पड़ता है यहाँ चले वहां चले, ये रील में देखा वो रील में देखा. देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं. बनी रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल जिम बडीज एंड फैमिली व्लॉग. और प्लीज जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो अभी हमारा लास्ट व्लॉग आया है, चैलेंज व्लॉग हम दोनों का, वो प्लीज उस पर आप लोग कमेंट भी करें, अपनी राय दें जरूर से. वो हमें बहुत अच्छी लगेगी, हमें हेल्प करेगी और पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा. तो प्लीज आप उस पर कमेंट जरूर करें. तो हम पहुंचे हैं फिलहाल कालका गढ़ी चौक गाजियाबाद, और यहाँ थी रेड लाइट. अब हम चले हैं, और ये देखें और ये देखें. आई लव गाजियाबाद तो है भाई, ये बात तो सही है. ये हमारी सिटी है तो हमें तो प्यारी ही है, क्यों डॉक्टर साहब? बेशक. लखनऊ भी बहुत प्यारा है मुझको, और हरिद्वार तो सबसे ज्यादा प्यारा है. वो मेरा बर्थ प्लेस है. मुझे पूरा मुल्क प्यारा है. वो तो ऑब्वियस बात है. आई लव माय इंडिया. बट जैसे हम अपने घर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वैसे ही जो है जो होम सिटी होती है, होम टाउन होता है, उसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. एक नेचुरल सी चीज है. Yes. मैं पहाड़ी, मेरा ठुमका पहाड़ी. मैं उत्तराखंड से हूँ, तो ये सॉन्ग है मैं पहाड़ी मेरा ठुमका पहाड़ी. ये हो गया उत्तराखंड का, और नवाबों के शहर में मैं रहती हूँ. तो जनाब मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं. ब्यूटीफुल नवाबों का शहर लखनऊ. और यहाँ घर है, यहाँ मियाँ के साथ मेरा घर है, बच्चे हैं, हाँ यही स्कूलिंग है. तो गाजियाबाद तो फिर यूपी वाले हैं हम. हम जहाँ हमने एंट्री करी है, ये है नवयुग मार्केट गाजियाबाद का. बाहर शदीद धूप है, गर्मी बस पूछिए मत कितनी गर्मी है. पूछिए नहीं, ये किया वाले ने गलत लगा दी है, और ये वैगन आर पता नहीं क्या कर रहा है. उसी को पीछे लेनी पड़ेगी. पोस्ट ऑफिस गाजियाबाद. कुछ भी कहो, इन फ्लावर्स की ब्यूटी बहुत है. ग्रीन के बीच में ऑरेंज इतना सुंदर दिखता है. ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे. तो पहुंच गए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर गांधी स्ट्रीट पूरी. तो चलिए, ये चल रहा है यहाँ पे पूरी बनाने की तैयारी. तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं बताते हैं कैसा रहता है इसका फ्लेवर. एक बहुत टाइम से हम लोगों ने प्लान किया हुआ था ये, भैया पूरी सब्जी पैक करानी है, जाना नहीं हो पाया. अंदर देखते हैं कैसे. ये देखिए सामने का ट्रैफिक, काफी ज्यादा भीड़ रहती है, थोड़ी पार्किंग की दिक्कत रहती है यहाँ पे. तो चलिए आइए देखते हैं. और यहाँ अंदर है भैया ना स्पेस बैठने के लिए. बहुत ढूंढ के आपका एड्रेस आए हैं. तो फ्रेंड्स ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट क्या बढ़िया बना हुआ. ये बनी हुई है टेबल्स, और ये है बेंच, अपना आराम से बैठिए.
और फाइनली हम ट्रेन ऊपर चल रहा है, फाइनली आखिर हम पहुंच गए काफी दिन के बाद। बहुत दिन से क्या, मेरे को सालों से लगा हुआ है एक मौका सा। गाइस हम यहाँ पर आ ही गए हैं, काफी सालों से बना हुआ था हमारा प्लान आने के लिए, नहीं आ पाए अभी तक। आज हमने पूरा सर्च कर करके टाइम निकाल के हम आए हैं गाजियाबाद के गांधीपुरी वालों के यहाँ। अब उनका फूड टेस्ट करते हैं कैसा है, फिर आपको बताएंगे और बच्चों के लिए पैक करा देना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। ये आई है हमारी प्लेट और इस पर रख दी गई है दो दो पूड़ियां पहले, और ये आ गया है रायता। ये आई है आलू टमाटर की सब्जी, और ये आ गया पेठा। ये आई मिर्चियां, बहुत बढ़िया, और हो गई हमारी प्लेट रेडी। चलिए अब इसको हम खाते हैं तो टेस्ट करते हैं तो बताते हैं कैसे रहता है। टेस्ट का रिव्यू बाद में दिया जाएगा, पहले अभी जो है सर टेस्ट कर ले, हम लोग खा ले, खाते समय हाथ फोन में नहीं लगाते। आप बोल सकते, कुछ बोलना चाहो तो वॉइस आपकी आ रही है। अभी मैं जरा शॉर्ट बना रही हूँ। फूड वाज रियली गुड, कद्दू की सब्जी, बेसिकली कद्दू की सब्जी ज्यादा अच्छी है, आलू टमाटर आलू वाली ठीक ठीक है, मुझे अच्छी लगी है। डॉक्टर साहब को वैसे भी नेचुरली पसंद नहीं है, पीछे करो ये अच्छा है। और ये भाग गया, ये वो भाग गया, तब से बोल रहा है। ये तब से जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट को, और इन्होंने एक चीज जो है अपनी तरफ से फेवर करी है और कहा है कि आप एक चीज जरूर टेस्ट करें। ये है कुल्हड़ खीर, और इन्होंने स्पेशली बोला है आप इसको जरूर एक बार टेस्ट करें। तो चलिए इसको टेस्ट करेंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। एक मिनट का इनको लेंगे, इन्होंने बोला है बहुत ज्यादा हो गया, तो ये डॉक्टर साहब टेस्ट करके बताएंगे, बोल सकती हैं आप। अब बोलिए, अच्छे से पकी हुई है, ड्राई फ्रूट्स मुंह में आ रहे हैं, और कलर इसका बहुत अच्छा चेंज हुआ है, जो बादामी कलर होना चाहिए परफेक्ट कलर हुआ है, बहुत बढ़िया। और मैं टेस्ट नहीं करी है, मैं टेस्ट करने के बाद बताता हूँ। ये है रेड चाट, इन्होंने हमें बोला है खीर खाने को, और खीर वाकई बहुत अच्छी है। क्या नाम है आपका? ये राजू है, और बहुत अच्छे से बताया, और खीर बहुत टेस्टी है। आप डॉक्टर साहब खा रहे हैं खीर, इट्स टू गुड, हमारे घर जैसी लग रहा है। हाँ राइट, अच्छी है। टेस्ट के बारे में कैसा है, अब यहाँ पे रेट भी देख लीजिए आप। गांधी स्वीट एंड बेडमी की थोड़ी पे आप आते हैं तो चार पूरी और तो कैमरे पर ही सब्जी 40 रुपए प्लेट, रायता 15 रुपए पर ग्लास, कम से कम चार पूरी लेनी है, चार पूरी नहीं मिलेगी। तो ये है हमारे ओनर जो है यहाँ पे, तो ये बताएंगे कि ये कब से है यहाँ पे। मैंने सुना और भी क्या, गांधी पूरी के नाम से और भी खुले थे क्या? कितने साल हो गए इसको अंकल? दुकान को 13 साल हो गए, काम कर 40 साल, 40 साल से काम कर रहे हैं। और हम लोग एक्चुअली कई बार आए तो हम लोग यहाँ पे पहले रास्ता ही नहीं मिला है, हम पीछे वाली गली में घूम के निकल गए हैं, तो आज पहली बार मौका लगा। तो कितने आ जाते हैं कस्टमर? तो काफी आ जाते हैं, अभी हमने देखा काफी भीड़ है यहाँ पे। तो कंपटीशन आजकल तो बढ़ गया है, सही बात है, सही बात है। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा आपका खाना भी, सब्जी भी, सब बहुत बढ़िया रहा, मजा आया। तो आप बताएं अपने बारे में कुछ, हम आप यहीं मिले। मेरा नाम आकाश है, और टेस्ट की बात करें तो बहुत ही टेस्ट बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास, 10 मिनट में नंबर आया है मेरा यहाँ पे खड़े खड़े। और ये सब आप रेगुलरली आते हैं यहाँ पे? हाँ कभी कभी तो आते हैं, रेगुलर तो नहीं। एक्चुअली हम तो पहली बार आए, हमको टेस्ट बहुत अच्छा लगा। नहीं टेस्ट, और आप लोग जैसे ही जो है भाई है, उन्होंने कहा कि एक बार जरूर जाइए, और हमको पसंद आया, टेस्ट पसंद आया ना, सारी चीज बढ़िया एकदम, सारी चीज बढ़िया, सारी चीज। चलिए ठीक है, थैंक यू। एक बहुत अच्छी चीज जो लगी अभी मुझे यहाँ पे, वो ये कि फूड तो नो डाउट अच्छा था ही, और यहाँ पे जो है बिहेवियर जो है यहाँ के स्टाफ का हो चाहे ओनर का हो, वो बहुत अच्छा था, मीठा भी बहुत अच्छा था। और जो हमने खीर आज खाई है अभी यहाँ पे, बिलीव मी बहुत ही रिजेंबल कर रही थी जैसी शैनू बनाती है, बिल्कुल सेम टू सेम लगी मुझे खीर
वाकई बहुत पसंद आई है। तो आप जब भी आए तो खीर जरूर यहाँ टेस्ट करें। मीठा भी अच्छा है, सब चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते ना, पर जितनी भी चीज़ हमने टेस्ट करी है वो सारी की सारी चीज़ें जो हमको बढ़िया लगी हैं। तो ये बिग थम्स अप फॉर द गांधी पूरी। तो आप लोग जब भी कभी नवयुग मार्केट आए तो जरूर टेस्ट करें। जो भैया बता रहे थे वो 200 किलोमीटर से आए हैं। हाँ, वो जिनके पास अभी हमने इंटरव्यू लिया था, जिनको कवर अप किया है, वो 200 किलोमीटर से आए और अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हुए निकलते हैं। ये लग गया है अयान का और ये बैठे अयान बनियाइन में है। इनको गर्मी लग रही थी, कैसा लग रहा है? तो मैं बच्चों के लिए पैक करा के लाई, उन्हें पोटैटो की नहीं खानी है। ये इनकी मैथ्स की बुक मिल गई वो आई है, अब उनके लिए पनीर आ रहा है। बहुत फरमाइशें हैं ये असद का पनीर। चलो जल्दी खाओ, चलो शुरू हो जाओ फटाफट।